यार बच्चों, आपका वीडियो में स्वागत है। बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो की स्टडी किया, हमने जाना कि गामा फंक्शन क्या होता है, किस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं, गामा एन की डेफिनेशन क्या होती है, और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था। मुझे उम्मीद है कि आपने वो सॉल्व किया होगा। यदि आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, तब आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। बच्चों, मैंने उस वीडियो का एंड वहाँ किया था कि बीटा और गामा में क्या कोई रिलेशन हो सकता है। तो मैं इस वीडियो को अब लेके आया हूँ, और उसका मकसद सिर्फ ये है कि बीटा और गामा में क्या रिलेशन है। तो दोस्तों, आपको बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा होगा कि बीटा और गामा में रिलेशन इस तरीके का कुछ होता है कि बीटा एम एन इज इक्वल्स टू गामा एम गामा एन ओवर गामा एम प्लस एन। इस रिजल्ट को आज हम प्रूव करने वाले हैं। देखिए कैसे प्रूव हो सकता है। बहुत सारे ऑथर्स बड़े अलग अलग तरीके अपनाते हैं, मैं भी एक तरीका लेके आया हूँ। हो सकता है कि वो आपको पसंद आए, वो आपकी बुक से कुछ अलग हो, कुछ आपको अच्छा सा लगे वो रिजल्ट्स। तो देखिएगा, आइए इसका प्रूफ देखते हैं हम। बच्चों, हमें दोनों डेफिनेशंस पता हैं। द डेफिनेशन ऑफ बीटा एम एन इज 0 टू 1 x टू द पावर m माइनस 1 1 माइनस x टू दर n माइनस 1 dx। ये हमने फर्स्ट वीडियो में प्रूव कर दिया था। एक रिजल्ट और भी प्रूव किया था हमने, बीटा एम एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फाइनिटी x टू द पावर m माइनस 1 ओवर 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx। हो सकता है कि इसका कहीं हमें यूज मिल जाए। हमने लास्ट टाइम गामा एन भी स्टडी किया था, और गामा एन वाज 0 टू इन्फाइनिटी ई टू दर माइनस एक्स एक्स टू दर एन माइनस 1 डी एक्स। तो नंबर 1 रिजल्ट, नंबर 2 रिजल्ट, नंबर 3 रिजल्ट। मैं इस रिजल्ट को स्टार्ट करता हूँ शुरुआत में। यहाँ अभी मैं ऐसे समझिए कि प्रूफ स्टार्ट ही नहीं किया था, और मैं यहाँ तक आपको प्रेलिमिनरी बातें बता रहा था। आते हैं नाउ, वी लेट, मैं आपको फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की बात याद दिलाता हूँ कि x को हमने के वाई पुट किया था, और dx के dy था, और यदि हम गामा n चेंज करें तो इट वाज 0 टू इन्फाइनिटी e टू द माइनस के वाई dx की जगह ये कितना था x के वाई टू द पावर n माइनस 1 dx वाज के dy। फाइनली वी गॉट 0 टू इन्फाइनिटी e टू दर माइनस के वाई एंड y टू द पावर n माइनस 1 डी वाई दिस वन गामा n, और वी कैन चेंज y इंटू x बिकॉज एज यू नो इफ वी चेंज द वेरिएबल फॉर डेफिनेट इंटीग्रल द वैल्यू डजंट चेंज। सो तो गामा n, ये हमने रिजल्ट ट्रांसफॉर्मेशन 1 में प्रूव किया था। यदि आपको लगता है कि ये मुझे तो समझ नहीं आ रहा, तो आप इसको पॉज करिए, प्रीवियस वीडियो पर जाइएगा, उसमें देखिएगा कि मैंने इसको कैसे प्रूव किया। वैसे तो मैंने यहां भी बताया है, बट उसमें और ज्यादा अच्छा था। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। इसके प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, अब हम जो ये के है इसको रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस के बाई जेड। इसका रीजन है क्योंकि हम जेड के को वेरिएबल मानने वाले हैं, तो के को वेरिएबल मानना बड़ा अजीब सा लगता है, तो इसलिए हमने उसको जेड के जेड से रिप्लेस कर दिया, जिससे एक फीलिंग से आएगी वो जेड हमारा वेरिएबल है। सो गामा एन इक्वल्स टू, दिस इज जेड टू द पावर एन, 0 टू इन्फाइनिटी ई टू द पावर माइनस जेड वाई, नॉट जेड वाई, जेड एक्स, क्योंकि अब तो हम एक्स में चेंज कर चुके हैं, एंड एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स। ये वैल्यू हो गई, इसको हमने नंबर 4 ले लिया, ये हमारा पहले नंबर 4 इसको लिया, और नाउ इट इज नंबर 5। तो होप आपको ये बात दिखाई पड़ रही होगी हमारे लिए कि इसमें जो आया है ये 5 जो है यहां पर ये वैल्यू आ गई, और ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ओके, नाउ करना क्या है हमें, देखिए गामा एन तो दिख रहा है हमें, हमें लाना है गामा एम यहां से आगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं, क्योंकि हर जगह हमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, ट्रांसफॉर्म करना है, लेकिन ये एक ऐसे रास्ते हैं, ऐसे समझिए जैसे एक गलियों का
जंजाल बना रहता है, मोड़ बहुत सारे आने हैं, तो कौन से मोड़ से मुड़ना है इस बात का ध्यान हमें इन वीडियोस में मिलेगा। तो अब हमें यहाँ आके रुक गए और अब इसके बाद हमें ऐसा लग रहा है कि अंधेरा है, तो इसके लिए एक उजाला हमें मिल सकता है, वो ये है हम यहाँ पर आते हैं कि गामा एम तो हमें मिल गया, बट वी नीड गामा एम। गामा एम आपके माइंड में एकदम से कैलकुलेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए कि द डेफिनेशन ऑफ गामा एन इज 0 टू इनफाइनाइटी ई टू एयर माइनस एक्स एक्स टू एयर एन माइनस वन, और यदि एन की जगह में हम ले लें तो ये होगा गामा एम जो होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ ये हटा करके, 0 टू इनफाइनाइटी ई टू देयर माइनस एक्स एक्स टू देयर एम माइनस वन डी एक्स, ये होगा हमारा रिजल्ट। अब यदि ये है हमारे पास गामा एम इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनिटी टू एयर माइनस एक्स एक्स टू एयर एम माइनस वन डी एक्स, तो हमारे माइंड में ये सब चलना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, अब ये मैं पेन बदल लेता हूँ जिससे आपको और दिखाई बड़े ढंग से, मल्टीप्लाइंग जरा देखिए मैं क्या आपके लिए करने जा रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग ई टू द पावर माइनस जेड जेड टू द पावर एम माइनस वन बोथ द साइड्स एंड देन इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू जेड फ्रॉम जीरो टू इन्फाइनिटी। इस बात का कितना इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ने वाला है, मैं ये सब बातें यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटाना पड़ेगा मुझे, ये हटाने पड़ेगा, मैं इनको यहीं रहने देता हूँ कि रिजल्ट्स हमें जही चाहिएंगे, ये हटा देता हूँ मैं क्योंकि बड़ा कुछ चाहिए हमें, और मैं इस रिजल्ट को भी ये नंबर फोर को इस नंबर फोर रिजल्ट को भी यहाँ लिखता हूँ, मुझे ज़रूरत है इसलिए, गामा एन इक्वल्स टू के टू द पावर एन जीरो टू इन्फाइनिटी ई टू द माइनस के एक्स एक्स टू देर एन माइनस वन डी एक्स, ये रिजल्ट नंबर फोर है, इसको भी अभी हम सेव रखते हैं और मैं यहाँ वापस आपको लेके आता हूँ। आइए जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी मल्टीप्लाई की, ई टू एयर माइनस जेड, मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ, ई टू एयर माइनस जेड जेड टू द पावर एम माइनस वन, इनकी मल्टीप्लाई की, इसको इंटीग्रेट किया विद रेस्पेक्ट टू जेड लिमिट ली जीरो टू इन्फाइनाइटी, इधर इंटू गामा एन पहले ही चल रहा था हमारा, ये पहले से ही चल रहा है गामा एन, ये तो लेफ्ट का वर्क रहा, अब आप जरा इधर आइए, आपने क्या किया, जीरो टू इन्फाइनाइटी e टू द माइनस जेड जेड टू द पावर एम माइनस वन डी जेड इधर भी किया है, और साथ में क्या था, जेड टू द पावर एन जीरो टू इन्फाइनिटी ई टू देर माइनस जेड जेड एक्स एक्स टू देर एन माइनस वन डी एक्स, ये सब कुछ था। तो बच्चों ये तो आपको पता है कि हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें गामा एम लाना था, तो ये गामा एम मिल गया अब हमें इधर, तो दिस इज गामा एम दिस इज गामा एन। अब टास्क के यहाँ का बड़े ही तसल्ली से इस बात को समझ लेना और समझिए कि जो दो लाइनें मैं लिखने जा रहा हूँ ये इस प्रॉब्लम के इस प्रूफ का हर्ट है, और हर्ट यदि पंपिंग सही से करेगा तो सब कुछ सही होगा, तो इस पर विशेष ध्यान रखिएगा, और यदि समझ ना आए तो पॉज करके या बार बार रिपीट करके मेरी बातों को जरूर समझना जो मैं दो मिनट में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, जीरो टू इन्फाइनिटी यहाँ ई टू दी बार माइनस जेड, ये हमारा e टू दी पावर माइनस जेड एक्स, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस जेड और माइनस जेड एक्स, तो मैंने माइनस जेड कॉमन लिया है उसको बाद में रखा है और वन प्लस एक्स पहले रखा है, मतलब जेड माइनस जेड कॉमन लेकर के सिर्फ इसको अरेंज करके रखा है, उसके पीछे कुछ रीजन है जो मैं अरेंज कर रहा हूँ और आप भी उसी रीजन को मानते हुए फॉलो करोगे। जेड टू दी पावर एम ये रहा, जेड टू दी पावर एम जेड टू दी पावर एन माइनस वन, ये डी एक्स भी साथ में रखा, डी जेड भी हमने साथ में रखा, लिमिट जीरो टू इन्फाइनिटी, ये बातें हमारे मिल गई। अब जो आपको समझाना है, जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ वो अब यहाँ से समझिएगा, जो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं वो देखिए। बच्चों ये जो मैंने इक्वेशन नंबर फोर लिखी थी, मैं पेन बदल के ही रखता हूँ क्योंकि जो आपको कुछ बात बता पाऊँ, मैं इसको वापस लिख के आता हूँ, मैं क्या इसके को नीचे ला सकता हूँ, गामा एन अपॉन के टू द पावर एन जीरो टू इन्फाइनिटी ई टू द पावर माइनस के एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स, ये जो अब लिखा गया है ये आपके लिए बहुत क्रूशियल है, यही बात आपको मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ से ये जो मैं अब लिखा है ये और ये कुछ कंपेयर किए जा सकते हैं, मैं इनसे कुछ कंपेयर करता हूँ, कंपेरिजन के लिए बॉक्स बनाता हूँ, और ये बॉक्स आप एग्जाम में बनाएंगे तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो समझिए। यहां पर आपके लिए जो
डिफरेंशिएशन है, ये मैं हटा देता हूँ इसको, यदि डी जेड मैं यहाँ रखता हूँ, ये लीजिए डी जेड मैंने यहाँ ले लिया, डी एक्स हम बाद में रखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो बात सिखाना चाहता हूँ वो आप सीखिएगा यहाँ पर। एक्स टू दी पावर एन माइनस वन भी है हमारे लिए, तो यदि आप थोड़ा सा और इसमें चेंज करना चाहें तो मैं ये एक्स टू दी पावर एन माइनस वन डी एक्स ये लिख सकता हूँ, या यहीं आप जीरो टू इन्फाइनाइट ये रहने देना चाहते हैं, आपने यहाँ डी जेड लिखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्स टू दी पावर डी जेड लिख के एक्स टू दी पावर एन माइनस वन डी एक्स, जो भी बातें थी वो सब हमने एक इंटीग्रेशन के अंदर रखी हैं, जो भी थे बातें थी। आइए अब सीखिए, पहले इनको इन पे ध्यान मत दीजिए, जो मैं बताना चाहता हूँ वो ध्यान दीजिए, वो है हमारा ये बात है इसमें जो मैं कुछ आपको सिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर e टू देयर माइनस वन प्लस एक्स जेड है, जेड टू देयर एम प्लस एन माइनस वन डी जेड, यहाँ देखिएगा कि जेड 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 मीन्स वेरिएबल हमारा जेड है, यहाँ पर देखें तो हमारा वेरिएबल एक्स था, तो मैं आपसे पूछता हूँ एक्स किससे रिप्लेस किया गया है, जेड से, जरा कंपेयर करिएगा, यहाँ के था, मैं आपसे पूछता हूँ के की जगह कौन काम कर रहा है, के की जगह आपका वन प्लस एक्स काम कर रहा है, बच्चों लिमिट वही है हमारे पास, सब कुछ बातें वही हैं, कोई और देख लीजिएगा, कोई और बात हो, बट x की पावर n है, यहां पर x की जगह z है, बट z की पावर कितनी है, m प्लस n, तो n की जगह आपका जो वर्क कर रहा है वो m प्लस n। अब इन सब बातों को मानते हुए लेफ्ट हैंड में जाइएगा, लेफ्ट हैंड में रिजल्ट कितना है, गामा n अपॉन के टू दी पावर एन, तो जरा बताओगे आप इन सब इंफॉर्मेशन को फॉलो करते हुए, गामा एन, तो एन किसकी जगह आया, ये आएगा एम प्लस एन, और के की जगह कौन था, वो था वन प्लस एक्स, और एन की जगह कौन था, एम प्लस एन। इस बात को यदि आप सीख पाए हो तो अच्छी बात है, और नहीं तो मैं बार बार बोलूं तब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है रिपीट करने का, तो आप रिपीट करिएगा उसी बात को और सीखेगा कि मैंने क्या बात बताई है। आइए उसी को मैं अब यहां अप्लाई करता हूं, ये लास्ट लाइन आपको दिख रही होगी, जीरो टू इन्फाइनिटी e टू दी पावर, ये सब आपका जितनी भी वैल्यू थी वो ये आ गई, तो मैंने लिखा गामा m प्लस एन ओवर वन प्लस एक्स टू दी पावर m प्लस एन इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन डी एक्स, ये वैल्यू आ गई। मैं ये स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं क्योंकि मेरे पास अब जगह नहीं है, तो मैं यहाँ से क्लीन करता हूँ ये, और क्योंकि ये सब यूज में आ चुके हैं जो भी मुझे यूज करना था। लेफ्ट हैंड में गामा एम गामा एन चल रहा था, तो गामा एम गामा एन इक्वल्स टू गामा एम प्लस एन इज आउटसाइड बिकॉज इट इज कांस्टेंट, सो जीरो टू इन्फाइनिटी एक्स टू देयर एन माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स टू देयर एम प्लस एन डी एक्स, और फर्स्ट वीडियो से, और बल्कि मैंने अभी साफ किया इस जो रिजल्ट नंबर टू था, उस रिजल्ट नंबर टू को आप देखेंगे तो ये कुछ भी नहीं है, जो ये रिजल्ट नंबर टू का ही क्या रिजल्ट था, बीटा एम एन की डेफिनेशन, ये सेकंड डेफिनेशन है बीटा एम एन की, और नहीं ध्यान है आप इसी वीडियो को देख रहे हैं तो पहली वीडियो देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये रिजल्ट बीटा एम एन के इक्वल था, और इधर गामा एम और गामा एन, ऐसे में ये सब रिजल्ट आ चुका है हमारा, और बचा क्या, बीटा एम एन कैन बी रिटन एज गामा एम गामा एन ओवर गामा एम प्लस एन। बच्चों ये था हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसको हमने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे हमने सीख लिया। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको इस हार्ड रिजल्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट को इजी वे में समझा पाया। आप कहीं भी यदि कोई दिक्कत हो रही है तो इसको रिपीट जरूर करिएगा, और इस रिजल्ट को बार बार जरूर सॉल्व करके देखिएगा, क्योंकि ये एक सिंपल रिजल्ट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हों, ये रिजल्ट आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और आपकी एप्लीकेशन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये कई जगह कई एग्जाम में कई क्वेश्चंस में हम अप्लाई करेंगे, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, इसी तरीके से आप इनको देखते रहिएगा, और यदि कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।